नमस्ते जी। कमर दर्द की एक ऐसी चिकित्सा आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं ना और उल्टी सुलटी दंड लगा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा दंड लगा लेते हैं और कमर उनकी दुखती है, उसका बड़ा ही अच्छा रामबाण उपाय है। और कोई भी व्यक्ति मतलब कि आमतौर से आजकल कमर सबकी डिगी पड़ी है, व्यायाम ढंग से कोई करता नहीं, आसन ढंग से कोई करता नहीं है, और ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से होगी। महिलाओं के लिए एक चीज़ और बताऊंगा जिसके कारण से उनको कमर में दर्द होता है और वो ठीक नहीं हो पाएगा इससे, लेकिन उस चीज़ से हो जाएगा। देखिए आपको ना ऐसे एक टेप ले लेनी है कागज़ वाली, ठीक है, उस पे ऐसे मटर के दाने लगा लेने हैं, 7-6-7 मटर के दाने लगा लेना, काम चल जाएगा मेरा 6 दानों में ही। तो ऐसी टेप ले लेनी है, वो कागज़ वाली केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगी। अब देखिए ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर दो उंगली ये हैं जोड़ और दो ये हैं इसके बीच वाला, ध्यान से देखना, इसके बीच वाला ये हमारा कमर का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है सुबह शाम घी की मालिश भी कर सकते हैं, यानी कि आप घी की मालिश करके आप इस प्रकार से इसको दबा सकते हैं, ठीक है ना, 2-3 मिनट सुबह शाम। तो अब आपको क्या करना है इसके लिए, इसको लेकर यहाँ पर लगाना बिल्कुल बीचों बीच इस प्रकार से, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको लगा लेना है। और ये लगाने के बाद में दोस्तों इसको फिर आपको जो है 7-8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए इसको लगा के रखना है और बीच बीच में दबाते रहना इसको, ठीक है, 1-1 घंटे में 1-2 मिनट के लिए इसको दबाते रहना। इतना चमत्कारी परिणाम मिलेगा ना इसका, आपको कुछ ही देर में आराम लगने लग जाएगा इससे, ठीक है। और यदि आपको पीड़ा ज़्यादा रहती है तो दूसरे हाथ पर भी यहाँ पर आप जो है इसको लगाना रीढ़ के लिए, ठीक है। तो ये आप जैसे कि व्यायाम करते हो, दंड आदि लगाते हो और आपको समस्या रहती है कमर की, तो इसको लगाना, आपकी काफ़ी अच्छी मसाज आएगी कमर की और कमर का दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। मैं खुद इसका प्रयोग करता हूँ कई बार, वैसे तो मैं ज़्यादातर राममूर्ति जी की विधि से ही दंड और बैठक लगाता नहीं, कम लगाता हूँ लेकिन उसमें समय बढ़ा देता हूँ, लेकिन जब मैं ज़्यादा लगाता था तो समस्या होती थी, या फिर जब काम आदि हम करते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं, थोड़ा सा शरीर की जो स्थिति है वो बिगाड़ ली आपने दिशा, तो उस समय भी कमर और गर्दन में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, वहाँ पर भी ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा समस्या दोनों पर कर लेना। अब आती है महिलाओं की बात। देखिए यदि महिलाओं को कमर में दर्द है तो वो एक कारण से और हो सकता है, उनको श्वेत पदर की समस्या है, तो यहाँ पर, ठीक है ना, एक आप मैं दिखाई देता हूँ, ये तो देखिए महिलाओं को ये तो लगाना ही है, ठीक है ना, दोनों हाथों पे लगा लेना, ज्यादा समस्या रहती है तो ये तो लगाना ही लगाना है। साथ में आपको एक काम और करना है कि आपको ये ऐसे 2 दाने मटर के जो है वो लगा लेने हैं, ठीक है, या फिर एक से भी काम चल जाएगा, 2 इसलिए है क्योंकि पॉइंट आगे पीछे आपको ना समझ में आए तो ढंग से वो लग जाए आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीचों बीच ध्यान रहे, ये देखिए ये दो उंगली इसके बीचों बीच यहाँ पर जो है आपको इसको लगा लेना है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप इसको लगा लीजिए और वही 7-8-10 घंटे लगा रहने दीजिए और इसको दबाइए, या फिर रात को लगा के सो जाइए, बीच में जब भी आँख खुले दबा लेना इसको और अच्छे से इस प्रकार से, तो आपकी कमर का जो समस्या है ना वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को करना और बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कितना क्या लाभ मिला है। मैंने तो आज तक जितनी बार भी जितने भी व्यक्तियों पर इसका प्रयोग किया है उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है और बहुत अच्छे परिणाम इसके देखने को मिले हैं। दोनों हाथों में लगाना कमर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी आपको ताकत देती है, यदि वो स्वस्थ है सही है तो आपकी जीवनी शक्ति वहाँ से बढ़ती है, तो रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। फिर देख लीजिए दोनों ये ना 4 उंगली यहाँ पे बीच वाली पे लगाना है सीधा, यानी कि यहाँ पर लगाना है सीधा, ठीक है। और महिलाओं को श्वेत पदर की समस्या तो जब तक वो रहेगा जब तक कोई भी यहाँ पर लगाने से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। फिर और ये भी लगाएं तो आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय हरिवर्धन।